नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है पर्सनली आज असम तीन का दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि दो नंबर का एक नंबर क्वेश्चन में दिया है टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री का मान 1 होता है, यही दर्शाने के लिए कह रहा है, यही शो करने के लिए कह रहा है। तो कैसे करेंगे चलिए उसको बताते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए दोस्तों इसको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड को है इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में LHS का जो मान है उसको लिखेंगे 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। इतना लिखने के बाद आगे हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कोण का पूरक करेंगे। पूरक कब होता है, जब दो कोणों को जोड़ते हैं 90 डिग्री हो जाए तो उसको पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ये 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, जो हमारा पूरक हो जाएगा। जब पूरक हो जाएगा तो उसके साथ हम जोड़ा लगाएंगे, 48 और 42 पूरक हो जा रहा है तो 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 48 डिग्री इंटू, इसको हम डालेंगे यहाँ पे 10 42 डिग्री उतारने के बाद, फिर यहाँ 10 23 डिग्री है और फिर यहाँ 10 67 डिग्री है, तो 23 और 67 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, जो एक पूरक कोण हो जाएगा। तो इस दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखेंगे 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो क्या किए, जो पूरक वाला है एक साथ लिख लिए, और उसके बाद अब क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट वाले को हम रहने देते हैं और सेकेंड वाले को चेंज करेंगे, तो टैन तो अपना जगह पर ही रहेगा, बस इस कोण को दो पार्टों में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे जो फार्मूला पर आ जाए। जैसे इसको तोड़ना है तो एक फार्मूला होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को हम तोड़ेंगे, तो टैन तो अपना जगह पर ठीक ही है, बस इस कोण को दो पार्टों में तोड़ेंगे। तो पहले हमको 90 होना चाहिए तो 90 लिख दिए, अब क्या करेंगे 90 में से हम कितना घटाएँ कि यहाँ पर 42 आ जाए, तो 90 में से हम 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। ऐसे घटाएंगे तो फिर इतना मिल जाएगा, 10 का 10 मिल जाएगा, ये टूट गया और ये फार्मूले पर भी बैठ जाएगा। तो इस दोनों का काम हो गया। अब इस दोनों में देखेंगे, इस दोनों में भी किसी एक को चेंज करना है, तो फर्स्ट वाले को यहाँ पर रहने देंगे, सेकेंड वाले को चेंज करेंगे। सेकेंड वाले में 10 तो रहेगा, बस यहाँ पे जो 67 डिग्री है इसको फार्मूला पर तोड़ देंगे। 90 माइनस थीटा है तो 90 तो रख रहे हैं, बस 90 में से हम यहाँ पे जो 67 आ रहा है देखेंगे कितना घटाने पर आएगा, तो 67 कितना आएगा, 90 में से 23 घटाने पर 67 आ जाएगा। तो ये टूट गया, 90 में से 23 घटाएंगे तो फिर 67 मिल जाएगा, 10 के 10 मिल जाएगा, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 90 माइनस 23 डिग्री, इसको बाद में लिखते हैं। तो घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, 67 के जगह पर हम इतना लिख दिए हैं क्योंकि फार्मूला को बैठाना है। तो ये तोड़ दिए, उसके बाद क्या करेंगे, ये शुरू वाला इसी तरह रहेंगे। अब इसको देखिए इस फार्मूला पर आ जा रहा है 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 10 90 और थीटा की जगह पर 48 है, तो थीटा की जगह पर कोई कुछ भी रह सकता है, तो इस फार्मूला पर बैठ जा रहा है। इस फार्मूला का मान होता है कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो यहाँ पर हम भी लिखेंगे कॉट थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर 48 है तो 48 लिखेंगे, और यहाँ थीटा रहता है तो थीटा लिखते। तो ये हो गया इंटू, फिर 10 23 डिग्री ये जो है इतना लिख दिए, फिर इसका फार्मूला इसी तरह बैठेगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे भी 10 90 माइनस 23 डिग्री है तो यहाँ कॉट थीटा ही होगा, यानी कॉट तो हो गया, थीटा के जगह पर जो रहेगा उसको हम लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 48 डिग्री और कॉट 48 डिग्री है, तो यहाँ पे एक और फार्मूला रहेगा, जैसे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम 10 48 कॉट 48, यानी थीटा का मान जब बराबर रहेगा तो यह फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। थीटा 48 है, यहाँ भी 48 है, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो अब यह बराबर 1 होगा।
तो यहाँ 48 है और यहाँ 48 है, यानी tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री बराबर हम 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ गुना है तो गुना लिख दिए, फिर यहाँ पे भी वही फार्मूला रहेगा। यहाँ थीटा की जगह पर 23 है, यहाँ भी थीटा की जगह पर 23 है, तो tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री बराबर 1 होगा। अब दोनों 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा RHS, यानी राइट हैंड साइड का मान आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि LHS बराबर RHS, इसलिए ये जो क्वेश्चन है हमारा सही है। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 इतना आएगा। तो इस तरह यह क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।